कर दे। 1984 च किसी ने ऐसा मंजर देखा होगा, उदो वीडियो नहीं सी, पर असीं हुण वो हालात देख रहे हैं। सो इस सरदार सत्कारयोग रकाब गोइ साहब के ग्रंथी ने उन्होंने छोटा फरजंद उन्हों का बेटा सरदार जसकरण सिंह जिसका तुसी वीडियो च देख रहे जे बड़ी बेरहमी दे नाल उहदा कतलेआम किया गया, जिस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा बेसबॉल ना कुट्टिया मारिया जा रहा सर, बंटी शंटी सारे अज अज साहब आई है और खेतर वाल च हैगा हल्ले भी कल उहदा बच्चे का एक्सरे होने से वो एक्सरे वाला बच्चा दसदा कि इन्ना आकड़गा कहिंदा मैं नहीं करूंगा मैनू करूंगा, वो फिर जोड़ा नाल पुलिस वाला गया उन्हें कान में कुछ किया तो जाकर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी सारे अज सरदार जरनैल सिंह जी जो कि साडे सत्कारयोग रकाब गोइ साहब के ग्रंथी ने उन्होंने छोटा फरजंद उन्हों का बेटा सरदार जसकरण सिंह जिसका तुसी वीडियो च देख रहे जे बड़ी बेरहमी दे नाल उहदा कतलेआम किया गया, जिस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा बेसबॉल ना कुट्टिया मारिया जा रहा है, वो केवल वह छोटा जिहा टुकड़ा है। किन्ने बनाई आ असीं उहनूं बेनती करते हैं जिसने भी वीडियो बनाई आ कृपा करके सानू यह सारी वीडियो दिती जाए ताकि ये अंदर होर कि लोग ने वो सारे आइडेंटिफाई किए जा सकन। मैं सारे पहला तो यह बेनती करता है, इलाके के लागे के लोगों भी बेनती करता है, बहुत सारे लोग उत्थे सी मौके पर, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हो तो आप जी को बेनती आ, एक नौजवान की जान गई है और कि बेरहमी के नाल उन्होंने मारिया गया, तुसी वीडियो च देख रहे जे, कृपया करके जिदे जिदे को वीडियो हैगीडियो साढ़े नाल जरूर शेयर करे ताकि सरदार जरनैल सिंह जी ने उन्होंने इस बेटे के बेरहमी ना किए हुए कतल का इंसाफ दवा सकी। असी सारे साढ़े सत्कारयोग सारे मैंबर साहबान सरदार जगदीप सिंह जी कालों साहब सरदार जसप्रीत सिंह जी धर्मिंदर सिंह स्वीटा जी साढ़े बल्लू जी साढ़े जनरल सकत्र गुरद्वारा चांद नगर तो सरदार गुरमीत सिंह भाटिया साहब सरदार नागी साहब अते सत्कारित सारिया साढ़े इलाके दियां हस्तियां इत्थे बैठियां ने। असी हुणे इत्थे एस एच नूं बुलाया सी, सारी गलबात उहदे नाल भी कीती आ, सारा केस भी समझिया। सो ये पहला तो दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का इखलाकी फर्ज बनता है, पर उहदे नाल वड्डा तां वी बनता क्योंकि सरदार जरनैल सिंह जी ये साढ़े ही दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के ग्रंथी साहब ने। सो असी जिहड़े लोगों ने ये बज्जर पाप किया है, ये बहुत वड्डा गुनाह किया है, एक नौजवान नूं तुसीं उह वीडियो का एक अंग देखिया है, उस तो बाद दा जो आ जो असीं उहदी फोटोआं देख रहे हैं, जो असीं हॉस्पिटल च उहदी वीडियो देख रहे हैं, जिस तरीके उहदे शरीर का हल किया गया है वो बहुत ही कायरतापूर्ण और इहोजा बेकिरकी दे नाल उहदे ते हमले किए गए ने। और अज असीं सारे इस गल का सारी दुनिया भर च वसदे लोगों नूं आश्वासन दवाउने आ, ये लोग जो तुसीं वीडियो च देख रहे हो अलावा भी लोग हैगे ने जिहड़े हुणे सानूं पता लगा है, ये कदी जिंदगी च दोबारा बाहर धुप नहीं देख पाउणगे, तुहानूं गरंटी ने कहिंदे जेलां च सड़नगे और जेलां च ही मरनगे। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इस लड़ाई नूं निष्कर्ष तक लेके जाऊगी और इन्हां लोगों नूं पब्लिकली इन्हां लोगों नूं सजाए मौत होवे उहदी लड़ाई लड़ूगी। पर एक गल असीं तुहानूं विश्वास नाल कहिंदे कि दोबारा ये बाहर जेल तो बाहर नहीं दिखणगे क्योंकि ये साढ़े सारिआं दे वास्ते जिथे बहुत ही दर्द है उत्थे इस गल का भी तकलीफ आ कि कोई आदमी किस तरह इन्नी जाहिल इस तरह राक्षस भी शायद इस तरह ना कर दे। 1984 च किसी ने ऐसा मंजर देखा होगा, उदो वीडियो नहीं सी, पर असीं हुण वो हालात देख रहे हैं। सो इस सरदार जरनैल सिंह जी नूं असीं सारे इकट्ठे होकर आश्वासन दवाउण आए हैं, थोड़ी देर पहला इत्थों एस एच ओ उठ के गए ने, तो असीं सरदार जरनैल सिंह जी हर तरीके नाल सारी देश और दुनिया च वसदे लोग तुहाडे नाल डट के खड़े ने और इस चीज़ का जिहड़ा असीं जरूर तुहानूं इंसाफ दवावांगे, इस दे वास्ते लड़ाई लड़ांगे और जो भी करना पऊ उत्थों तक असीं जावांगे। बंदे अरैसट दो होए ने अजे तक, जिहड़े वीडियो दिखाई दे रहे ने वो दो अरैसट हो चुके ने, लेकिन इहदे अलावा भी उहनां दी पुलिस कस्टडी भी अज लई जाऊगी, उहनां दी पुलिस कस्टडी लैके जानकारी लई जाऊगी कि कौन कौन बंदे होर इनवॉल्व सी, इहदे अंदर गोलियां भी चलियां ने,
दो लोगों को गोलियां अजे भी वजी हुई हॉस्पिटल एडमिट ने, पर किन्ने चलाई किवें चलाई यह सारी जानकारी भी कढ़ी जा रही है। सो मैं फिर तो एक अपील करदा जिन्हां दे कोल वीडियो हैगी ने सानू वीडियो जरूर शेयर करन, ये वीडियो जिहड़ी आ बहुत साडी जरूरत आ ताकि बेइंसाफी जिहड़ी हो रही आ उहदे ते आपां जानकारी इकट्ठी करके ते इन्हां दे सरदार जरनैल सिंह जी दे इन्हां दे परिवार नूं इंसाफ दवाया जा सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।